बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम मुकर्रम आज़ीज़ सामने प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम हज़रात सवाब की नीयत से जो राजी बैठे हैं वो सलाम का जवाब दें, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे याद पड़ता है कि आपके इस झावरिया शहर में सालाना महफिल हमदलात में इससे पहले भी कई दफ़ा हाजिर हो चुका हूँ और एक तवील अरसे की गैप के बाद अब आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। भाई मोहम्मद अबू बकर रशीदी साहब का, इनकी पूरी टीम का, तमाम इंतजामिया का तहे दिल से शुक्रगुजार है कि इन्होंने माह रबीउल अव्वल की मुनासिबत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में महफिल ज़िक्र मुस्तफ़ा का इनेकाद किया। मैं इनकी पूरी टीम का समीमी कल्ब से शुक्रगुजार हूँ। हाजरीन मजलिस, मैं अपने आगाज़ अपनी महफिल का और कलाम का आगाज़ जो है हाजिरी का आगाज़ जो है एक खूबसूरत हमद बारी ताला तौहीद बारी ताला से करूँगा और उसके बाद बारगाह रिसालत में नजराने अकीदत और मुख्तलिफ मौजूआत पर शान साहबा शान हसनैन करम शान हुसैन पढ़ कर इजाज़त चाहूँगा। कोई मिसरा या शेर अच्छा लगे तो गुलामान मुस्तफ़ा क्या कहेंगे। अच्छा, रात के 12 भी नहीं बज रहे हैं कि आप लोग महफिल सुन सुन के थक गए हो। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा वक्त है भाई, माशाल्लाह सारे अपने मामला से पारे को कराए और यकीन आखिर में खाने का भी इंतजाम हो रहा है। हल्की फुल्की लंबे शरीर से चली गई, देखिए चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई लंबे शरीर के नाम। अब कैसे बहरहाल ये एक बहुत कीमती नूरानी और क्लास भरी मजलिस है, इसलिए आप अपना हिस्सा डालेंगे। कोई मिसरा अच्छा लगे तो क्या कहेंगे, गुलामान मुस्तफ़ा बोले क्या कहेंगे, गुलामान सहाबा बोले क्या कहेंगे, आशिक़े हुसैन बोले क्या कहेंगे, वो जो मेरे भाई जो माशाल्लाह हॉल के अंदर है, माशाल्लाह मजमा बहुत ज़्यादा है, आप भी मजमे का हिस्सा है इंशाल्लाह। आप सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर माशाल्लाह कहेंगे, आपको महफिल सुनने में लुत्फ आएगा और हमें पढ़ने में इंशाल्लाह। आगाज कर रहा हूँ एक खूबसूरत हमदी बारी ताला से, मुनाजात बारी ताला से, मुलाहिज़ा फरमाइए इंशाल्लाह। गए तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा, गए तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा, गए तुम न सुनोगे मेरी कौन सुनेगा, गर तुम न करोगे तो करम कौन करेगा। जरा मोहब्बत से हाथ उठाकर इस मुनाजात में शामिल होंगे, जरा हाथों को उठाइए और पढ़िए। गर तुम न सुनोगे मेरी कौन सुनेगा, गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा, गर तुम न करोगे तो करम कौन करेगा, गर तुम सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। आलम तेरा दीवाना, आलम तेरा दीवाना, ए जलवाए जाना। सारे ही नबी के सनाखा है, आशिकों की तरह मिलकर पढ़िएगा। मैं कहूँ आलम तेरा दीवाना, अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह को राजी करने के लिए सब पढ़ेंगे मेरे साथ मिलके। ए जलवाए जाना ना, आलम तेरा दीवाना, आलम तेरा
तेरा दीवाना ए जलवा जहाना आलम तेरा दीवाना ए पूरा मजमा बोलेगा ए जलवा जहाना आलम तेरा दीवाना ए जलवा जहाना माइक के वाले आलम तेरा दीवाना ऐ जलवा जहाना आलम तेरा दीवाना ऐ जलवा जहाना मूसा भी हुए बेखुद मूसा भी हुए बेखुद कर तेरा पैमाना अल्लाह वरना तेरे जलवों से आबाद है काशाना सुभान अल्लाह बावाज़े बुलंद मिलकर कहो सुभान अल्लाह। जब मूसा ने तमन्ना की ऐ अल्लाह मैं आपका दीदार करना चाहता हूँ उसी हवाले से शायर ने लिखा और क्या खूब लिखा कलाम जिनका पढ़ रहा हूँ फाजिले दारुल उलूम देवबंद मौलाना इस्लाम अहमद दानिश साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं आंखों में नहीं ताकत जो देख सके तुझको आंखों में नहीं ताकत जो देख सके तुझको वरना तेरे जलवों से वरना तेरे जलवों से आबाद है काशाना आलम तेरा दीवाना जो अल्लाह का दीवाना है एक हाथ उठाए आखिर तक आलम तेरा दीवाना ऐ जलवा ऐ जलवा जानाना मूसा भी मूसा भी हुए बेखुद पीकर तेरा पैमाना जर्रों की चमक तुझसे फूलों की महक तुझसे अल्लाह की मोहब्बत में हाथ उठा के सुभान अल्लाह आशिकों सुभान अल्लाह जर्रों की चमक तुझसे फूलों की महक तुझसे तू हाजिर नाजिर है तू हाजिर नाजिर है जो सिर्फ अल्लाह की जात को हाजिर नाजिर मानता है वो हाथ उठाए तू हाजिर नाजिर है तू हाजिर नाजिर है गुलशन होके वीराना तू हाजिर नाजिर है गुलशन होके वीराना आल
हम तेरा दीवाना ऐ जलवे जानाना, आलम तेरा दीवाना ऐ जलवे जलवे जानाना। मूसा भी हुए बेखुद भी कर तेरा पैमाना। सुभान अल्लाह, तूने वहदानियत में कह दो, हाथ उठा के, बेशक तूने ही मोहम्मद को बख्शी है मसीहारी, तेरी ही नवाजिश है, तेरी ही नवाजिश है, तैबा का शिफा खाना तेरी ही नवाजिश है, तेरी ही नवाजिश है, तैबा का शिफा खाना। आलम तेरा दीवाना, एक दफा जोर से कह दे ऐ जलवे जानाना। आलम तेरा दीवाना शेर। इस कलाम का मक्ता पढ़ने लगा हूँ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आखिरी शेर में मौलाना इसरार अहमद दानिश साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ की अपने लिए, लेकिन क्या ही अच्छा हो हम भी इस दुआ में शरीक हो जाए। दुआ पसंद आए तो कंजूसी नहीं करनी, जहाँ शेर खत्म हो दिल खोल के सुभान अल्लाह कहना है। लिखते हैं दानिश साहब रहमतुल्लाह अलैह, दानिश को बचाया दर की गुलामी से, हाथ उठा करके तो आमीन, बल्कि मैं यूं न कहूं हम सबको बचाया रब दर दर की गुलामी से, ये बंदा आजिज है, ये बंदा आजिज है, तौहीद का दीवाना। आप भी तौहीद के दीवाने हैं ना, तो दीवानों की तरह हाथ उठा के, ये बंदा आजिज है अल्लाह, ये बंदा आजिज है, तौहीद का दीवाना। आलम तेरा दीवाना है जलवा जाना, आलम तेरा दीवाना ऐ जलवे जानाना। मूसा भी हुए बेखुद, मूसा भी हुए बेखुद भी कर तेरा पैमाना। तेरा दीवाना है जलवे जानाना। सुभान अल्लाह, और बुरा नवाज से कही हमद बार ताला के बाद एक और खूबसूरत हमद बार ताला, आप इसके बारे में बड़ा करके प्यारे दोस्तों, एक और खूबसूरत तौहीद बारे ताला दो तीन शेर पढ़ूंगा, बिल्कुल लेटेस्ट कलाम ये भी
और मैं आज कल पढ़ रहा हूँ और बहुत जल्द जो मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर भी अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह, जिसमें खुदा से मोहब्बत का इजहार करना है, सबने अल्लाह का जिक्र मोहब्बत से अकीदत से उल्फत से करना है, कोई लब खामोश ना रहे। या खुदा या खुदा खुदा, बोलो या खुदा सारे पढ़ेंगे, या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा ये जमीन आसमान ये जमीन आसमान जल्ला वो कहकशा ये हसी गुलसिता रंग पूरे जहां ये हसी गुलसिता रंग पूरे जहां सब है जलवा तेरा सुभान अल्लाह। ये मैं आपको अल्लाह की शान और तौहीद सुना रहा हूँ। तौहीद किसे कहते हैं, मैं दोबारा मिसरा पढूं, सब है जलवा तेरा मैं कहूं और खुदा का बंदा फिर खुदा को पुकारेगा हाथ उठाकर या खुदा या खुदा। ये जमीन आसमां जल्ला वो कहकशा ये जमीन आसमां जल्ला वो कहकशा ये हसी गुलसिता रंग पूरे जहां सब है जलवा तेरा या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा रज़ाक तू रहमान तू रज़ाक तू। अरे मैं चाहता हूँ कयामत के दिन हुजूर के सनाखानों में आपका नाम आए। मैं चाहता हूँ मैं कहूँ रज़ाक रहमान तू, सारे मिलके पढ़ो ये शेर। रज़ाक तू रहमान तू रज़ाक तू सब बोलो रज़ाक तू रहमान तू रज़ाक तू रहमान तू कौन है का सुल्तान तू कौन का सुल्तान तू मस्तन तेरा अर्श परी मस्तन तेरा अर्श परी तू ही है रब्बुल आलमीन सुभान अल्लाह। मैं दोबारा पढ़ूंगा जब मैं कहूंगा कौन है इनका अल्लाह की जात से शिकायत आप कहेंगे सुल्तान की यूं हाथ उठाकर रज़ाक तू रहमान तू कौन है का सुल्तान तू मेरे अल्लाह कौन है का माबूद है तू ही मस्जूद
हो पेश सब हो हाथ उठा के पेश तू ही माबूद है तू ही मसजूद है तू ही मकसूद है तू ही मतलूब है तू ही मकसूद है तू ही मतलूब है नहीं कोई मेरा एक तेरे सिवा ये सिर्फ शेर नहीं है सिर्फ अल्लाह ही अपना है अल्लाह ही अपना है और इस फरियाद अंदाज में मैं कहूँ आपने हाथ उठा कर कहना है एक तेरे सिवा नहीं कोई मेरा आशिक और अल्लाह का बंदा अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर यूं हाथ उठा कर बोले एक तेरे सिवा ओ नहीं कोई मेरा एक तेरे सिवा नहीं कोई मेरा हाँ नहीं कोई मेरा एक तेरे सिवा नहीं कोई मेरा एक तेरे सिवा है तू मौला मेरा या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा बोलो या खुदा या खुदा दो मिसरे रहते हैं कलाम के कितने मिसरे अब इन दो मिसरों में मैं हमारे बुजुर्गों की अकाबरीन की तवज्जो चाहता हूँ प्यारे दोस्तों इन दो मिसरों पर जो वाकयात और अल्लाह की शान बयान की गई है ये आपको समझ आए तो वो क्या कहते हैं सुभान अल्लाह की इच्छा लाने चाहिए आखिर में इंशाअल्लाह सुनिए वाकयात सुनिएगा लेके अब रहा हाथी का लेके अब रहा हाथी का लश्कर बन गया वो निशाना अबाबिल का अब रहा मिट गया अब रहा मिट गया आपकी तरफ से भी गवाही हो जाए हाथ उठा के कहना है मिट गया अब रहा मिट गया अब रहा मिट गया हो अब रहा मिट गया अब रहा काबा बाकी रहा या खुदा 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 गर्दन कटी सुभान अल्लाह हुक्म से तेरे आतिश गुलिस्तां बनी चल रही थी छुरी पर न गर्दन कटी चल रही थी छुरी पर न गर्दन कटी तेरी की थी रगर और जमी तर तर तेरी की थी रगर और जमी तर तर चश्मा पहने लगा
किस किस ने पिया है जमजम के पहले हाथ उठा के बताएंगे सुभान अल्लाह। हुक्म से तेरे आतिश गुलिस्तान बनी, चल रही थी छुरी पर ना गर्दन कटी, चल रही थी छुरी पर ना गर्दन कटी, एरी की थी रगड़ और जमीन तर तर, एरी की थी रगड़ और जमीन तर तर, चश्मा पहने लगा बोला हाथ उठा के पुकारो या खुदा या खुदा, ऐज ले हाथ में चक के कहना है या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा, बोलो या खुदा या हाँ या खुदा या खुदा, रज़ाक तू रहमान तू रज़ाक तू। सारे बोलो अल्लाह के प्यारो अल्लाह के बंदो अल्लाह की जात खुश हो जाए, अल्लाह सुन रहा है अल्लाह देख रहा है, हाथ उठा के कहो रज़ाक तू रहमान मेरे अल्लाह, रज़ाक तू रहमान तू कौनैन का सुल्तान तू, कौनैन का सुल्तान तू, एक खूबसूरत नाज शरीफ की चंद शार पढ़ रहा हूँ, उसके बाद शान सहाबा शान हुसैन जरा मोहब्बत से नवाजेगा, कहिएगा सुभान अल्लाह। भाई अबू बकर रशीदी साहब और इनकी टीम ने मिलकर ये महफिल सजाई, ये महफिल सजाई और ये महफिल भी मामूली नहीं, आप भी मामूली नहीं, उसकी क्या वजह, अल्लाह पाक ने आपको तौफीक अता फरमाई, अल्लाह पाक ने आपका इंतखाब किया, तब जाकर आप मेरे आका के मजलिस में मेरे आका का जिक्र खैर सुनने के लिए आ गए। यह जोर से अल्हम्दुलिल्लाह, जिस महफिल में आका का जिक्र होता है उस ऐसी महफिलों में अल्लाह की रहमत झूम के बरसा करते हैं, झूम के बरसा करते हैं, लिखते हैं एक बहुत खूबसूरत कलाम अभी हाल ही में अपलोड हुआ मेरे चैनल पर, जगह जगह तेरी महफिल सजी हुई है अभी, जगह 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 तेरी महफिल सजी हुई है अभी, मेरे मदनी आका जगह जगह तेरी महफिल सजी हुई है अभी, जगह जगह तेरी महफिल सजी हुई है अभी, बरस रही है अभी जमीन पे नूर की बारिश, बरस रही है अभी जमीन पे नूर की बारिश, बरस रही है अभी जमीन पे नूर की बारिश, बरस रही है अभी, मेरे मदनी
मदनी आता जमीन पे रीति बारिश। आपका भी ईमान है, अकीदा है कि जहाँ मेरे आदम का जिक्र होता है वहाँ नूर की बरसात होती है। तो हाथ उठाकर कहेंगे जमीन पे नूर की बारिश। आप हाथ उठाकर कहना है बरस रही है अभी जमीन पे नूर की बारिश, बरस रही है अभी जमीन पे नूर की बारिश, बरस रही है अभी। मेरे मदनी आका जमीन पे नूर की बारिश, बरस रही है अभी। जगह 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 तेरी मेहनत आशिक क्या लिखते हैं। तेरा गुजर वो शब जहाँ वही पर रुकी हुई है अभी, वो शब जहाँ वही पर रुकी हुई है अभी, वो शब जहाँ वही पर रुकी हुई है अभी। जगह जगह मेजबान की हौसला अफजाई हो जाए, दोनों हाथ उठा के कहे जगह जगह तेरी महफिल सजी हुई है अभी, जगह जगह तेरी महफिल सजी हुई है अभी। जमीन पे नूर की बारिश बरस रही है अभी। तेरे वजूद की खुशबू महक रही है अभी, तेरे वजूद की खुशबू महक रही है अभी। हुजूर की मोहब्बत की बन हाथ उठा के सुभान अल्लाह। आका तेरे वजूद की खुशबू महक रही है अभी, बरस रही है अभी। कौन कौन मदीने जाना चाहता है जरा हाथ उठाइएगा। अल्लाह करे इस पुरनूर रूहानी मदरसे के बरकत से, इस महफिल के सदके, अल्लाह पाक आपको इसी साल मदीने के हाजिर नसीब फरमाए। मैं किसी के इखलास पे तो शक नहीं कर रहा, लेकिन शायर का पैगाम क्या है। मुझे बुलाया, मुझे बुलाया नहीं अपने शहर में तूने, मुझे बुलाया नहीं अपने शहर में तूने, मेरे खुलूस में शायद अभी, मेरे खुलूस में शायद
ज्यादा गुफ्तगू किए बगैर मैं कलाम को तसलसल से इसलिए पढ़ रहा हूँ आपके आपको भी अच्छा लगे, वक्त का ज़िया ना हो। सहाबा किराम से सबको प्यार है, सारे सहाबा के जियाने बैठे हैं, आशिक बैठे हैं माशाल्लाह। तो इस प्यार को दिल में छुपा कर नहीं रखना है, बॉडी लैंग्वेज से भी इजहार करना है। सहाबा सहाबा प्यारे सहाबा, ये कलाम मैं पढ़ रहा हूँ और ये कलाम इस कलाम का मौजू है नाराए फारूकी। नाराए और वो कौन सा नारा है अभी आपको लग पता जाएगा इंशाल्लाह। जब पता चलेगा तब आपने कंजूसी नहीं करनी, तब सब ने मिलकर ये नाराए फारूकी लगाना है। पहले सहाबा की मोहब्बत में इजहार होता है, हाथ उठा कर कहिए सहाबा सहाबा प्यारे जाएगा उठे दीवाने
पर तेरी वफादारी को, तेरी वफादारी को सलाम किया जाएगा। अरे दोनों हाथ उठाकर, तेरी वफादारी को सलाम किया जाएगा, तेरी वफादारी को सलाम किया जाएगा। वाह सहाबा वाह, सुबह शाम किया जाएगा। वाह सहाबा वाह, सुबह शाम किया है। भाई भाई दोस्तों, जरा हाथ उठाकर आखिर तक, अली जो मुआविया है भाई भाई दोस्तों, अली जो मुआविया है, अली जो मुआविया है भाई भाई दोस्तों, अली जो मुआविया भाई भाई दोस्तों, गली 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 यही नारा नाम किया जीना है से लोगों का, जीना है से लोगों को हराम किया जाएगा। कैसे दोनों हाथ उठाकर बताओ, वाह सहाबा सुबह शाम किया जाएगा, वाह सहाबा सुबह शाम किया, बाबा बाबा सहाबा सुबह शाम किया जाएगा। तेरे दीवाने तेरे दीवाने इंकलाब राइज सहाबा, राइज सहाबा का निजाम किया जाएगा। आपको हाथ नीचे ना रहे, दोनों हाथ उठा के कहो इंशाल्लाह। ज़ेनी देख लेना तुम इंकलाब आएगा, ज़ेनी देख लेना तुम इंकलाब आएगा। राइज सहाबा, राइज सहाबा का निजाम नाम सहाबा का कर चर्चा, नाम सहाबा का ले शौक से नाम। जरा कहिए सुभान अल्लाह।
कौन कौन जन्नत का तालिब बैठा है। अब चार दफा आपने सहाबा की मोहब्बत में खेला है, सहाबा का चार दफा कहना है, ले शौक से नाम सहाबा का, ले शौक से नाम ऐ जिन्हें हाथों में छुट के रहे सहाबा का, ले शौक से नाम एक साथ दोनों हाथ उठा के गुलामा ने सहाबा बोलेगा, ले शौक से नाम कर चर्चा राम, ले शौक से नाम कर चर्चा राम सहाबा का, ले शौक से नाम कर चर्चा राम सहाबा, कर तलब है तुझको जन्नत, कर तलब है तुझको जन्नत, तो पल्ला था सहाबा का। ओ मैंने जिक्र सहाबा ही तो बस किया, मैंने जिक्र सहाबा ही तो बस किया, इसमें नाराज होने की क्या बात है, किसने कहा, खुदा ने कहा, हाथों को इशारा करके यूं कहना है, खुद खुदा ने कहा, वो उनको रज़ी अल्लाह खुद खुदा ने कहा, उनको रज़ी अल्लाह खुद खुदा ने कहा, इसमें नाराज होने की क्या बात है, इसमें नाराज होने की क्या बात है। गुलामों में भी नुमाया जो तेरा हद से करम न होता, मेरे मदनी आका मेरे सोहरे आका, तेरे गुलामों में भी नुमाया जो तेरा हद से करम न होता, तेरे गुलामों में भी नुमाया जो तेरा हद से करम न होता, ये नक्श हस्ती उभर न सकती वजूद न हो करम न होता। मोहम्मद हक के वली अबू बकर उमर उस्मान अली, अस्हाब मोहम्मद हक के वली अबू बकर उमर उस्मान अली, यारान नबी में सबसे बड़ी अबू बकर उमर। चारों खुलाफा के नाम सब मिले।
देना है। अस्हाबे मोहम्मद हक के वली अबू बकर उमर, अस्हाबे मोहम्मद हक के वली अबू बकर उमर उस्मान अली, यारान नबी में सबसे जल्द अबू बकर उमर उस्मान अली। महफिल का पैगाम अर्शे वाले भी करते हैं जिसका हया, अर्शे वाले भी करते हैं जिसका हया, अर्शे वाले भी करते हैं जिसका हया, है वो उस्मान दामाद खैरुल बरा, अरे है वो उस्मान दामाद खैरुल बरा, आपके भी है ना मुर्तजा, किस किस के हैं मुर्तजा, तो हाथ उठा के जुर्रत से फखर से नाज से मान से बताना है, यूं कहना है मैं कहूँ शान वाला है जैनी, आप हाथ उठा के बताइएगा और कहिएगा मेरा मुर्तजा, हाथ उठा के वो शान वाला है जैनी मेरा मुर्तजा, शान वाला है मदनी मेरा, शान वाला है मदनी मेरा, शोहरे फातिमा है, शोहरे फातिमा है वो शेर खुदा, वो शोहरे फातिमा वो शेर खुदा, को मुस्तफा ने जिसे, मुस्तफा ने जिसे अपना भाई कहा, मुस्तफा ने ये बात हाथ उठा के कहो, मुस्तफा ने जिसे अपना भाई कहा, मुस्तफा ने जिसे अपना भाई कहा, इसमें नाराज होने की क्या बात है, आखिर में चार गला नारा लगा रहे तेरे सहाबा के, सहाबा ले शोर से नाम जो जन्नत के तलबगार है सिर्फ वो हाथ उठा के बोले ले शोर से नाम कर चर्चा का, शौक से नाम कर चर्चा का, गर तलब है तुझको जन्नत की, गर तलब है तुझको जन्नत की, तो पल्ला थाम सहाबा का, ओ मैंने जिक्र सहाबा ही तो बस किया, इसमें नाराज हो महा
उन मुमिनीन का तज़किरा करते हैं और लास्ट मेरा कलाम है अबू बकर रशीदी साहब का एक दफ़ा फिर के पूरी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे बाद इंशाल्लाह ये महफिल जारी है, बहुत सारे मेहमान अभी रहते हैं, जहीर फारूकी साहब भी तशरीफ ला रहे हैं, आसिफ रशीदी साहब भी तशरीफ ला रहे हैं, ये महफिल जारी है। आखिर में उम्महातुल मोमिनीन का तज़किरा करने लगा हूँ और मैं बेटों से मुखातिब होना चाहता हूँ, बेटों से। अब मुझे बोलना ना पड़े कि बोले अपनी माँ का जब तज़किरा होने लगे तो बेटे बोलेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हो हर एक मोमिन की है माँ, इशारा झुठला नहीं सकते, हो पूरा जो माँ को कहते हैं, पूरा जो माँ को कहते हैं, वो जन्नत पा नहीं सकते। हर एक मोमिन की है माँ, इशारा झुठला झुटला नहीं सकते, सामने हाथ उठाकर। हर एक मोमिन की है माँ, इशारा झुटला नहीं सकते, हर एक मोमिन की है माँ, इशारा झुटला। नबूवत खत्म है मेरे, नबूवत खत्म है मेरे, नबी हजरत मुहम्मद पर नबुव्वत का दीवाना, दोनों हाथ उठा के कहेगा मोहम्मद पर। ओ नबुव्वत खत्म है मेरे, नबी हजरत मोहम्मद पर, किसी के पास जिब्रील अमीन अब आ नहीं सकते, किसी के पास जिब्रील अमीन अब आ नहीं सकते, किसी से पास जिब्रील अमीन अब आ नहीं सकते। आखिर में दोनों हाथ उठाकर बेटे बोले हर के मोमिन, बेटे हाथ उठाए आखिरी दफा, हर के मोमिन की है माँ, इशारा झुठला नहीं सकते, नहीं सलामकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। भाई अबू बकर साहब और इनकी पूरी टीम का एक दफ़ा फिर शुक्रगुजार हैं, बारगाह इलाही में दुआ दो हैं कि अल्लाह पाक हमारी इस मुख़्तसर की हाज़िरी को अपने बारगाह इलाही में कबूल और मंज़ूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।